हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि सभी जानते हैं लॉकडाउन का समय चल रहा है, तो जब तक लॉकडाउन का समय चलेगा इसी प्रकार हम अभी सभी सब्जेक्ट्स की अपनी क्लासेस इसी तरह से जारी रखेंगे और आप सभी स्टूडेंट्स सही प्रकार से ऑनलाइन क्लासेस लेते रहेंगे। तो आज मैं आपको क्लास नाइन्थ के लिए बताने जा रहा हूँ कि आपके क्लास नाइन्थ में इंग्लिश के लिए दो बुक्स होंगी। फर्स्ट वन इज मोमेंट्स और सेकेंड वन इज बिहाइव। तो इसलिए मैं आज मोमेंट्स का चैप्टर वन द लॉस्ट चाइल्ड की स्टोरी आपको बताने जा रहा हूं। आप अच्छे से इस स्टोरी को सुने और इस चैप्टर को अच्छे से याद करें। स्टूडेंट्स, चैप्टर है द लॉस्ट चाइल्ड। लॉस्ट चाइल्ड एक्चुअली खोया हुआ बचपन। जो एक खोया हुआ बचपन है, जो एक जीवन का बसंत है, वो कहाँ आता है, उस विषय में आज हम इस चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं। स्टोरी कुछ इस प्रकार है कि बसंत का पर्व था, शीतकाल की हवा बह रही थी, प्रसन्नचित सभी लोग अपना मेले में जाने की तैयारी कर रहे थे। जैसा कि यदि हम भी कभी मेले में जाते हैं तो हम भी बहुत अच्छे से रेडी होकर चलते हैं। सब नए नए रंग बिरंगे कपड़े पहनकर अपना मेले में जाने के लिए तैयार हो रहे थे और मेले में जा रहे थे। इसी प्रकार एक बच्चा अपने माता पिता के साथ वो भी मेले में जा रहा था और मेले में जाने के लिए उसने भी नए कपड़े पहने। अपने माता पिता उसके आगे चल रहे थे, वो थोड़ा पीछे चल रहा था। उसके मम्मी पापा को बार बार उसे बोलना पड़ रहा था कि बेटा आ जाओ, बेटा आ जाओ, क्योंकि जो रास्ते में दुकानें थी, जो खिलौने टॉयज वहाँ पर टंगे हुए थे, वो उन खिलौनों से, उन टॉयज से बहुत ज़्यादा आकर्षित हो रहा था और आकर्षित होकर वो उन्हें देखना शुरू कर देता था और माता पिता को उसके उसे आवाज लगानी पड़ती थी। वह अपने मम्मी पापा को उन खिलौने के लिए कहने का साहस नहीं कर रहा था, क्योंकि वो इस बात को जानता था अगर वो अपने पापा को उन खिलौनों को खरीदने के लिए कहेगा तो कहीं ना कहीं उसे मना ही मिलेगी, क्योंकि वो जानता था इस बात को। तो इसलिए उसने अपने माता पिता को उस विषय में नहीं कहा, खिलौने खरीदने के बारे में नहीं कहा, और डायरेक्ट वो जब भी उसके मम्मी पापा उसे बुलाते थे तो वो डायरेक्ट वहां से चल देता था। इसी प्रकार वो वहां से चलने के लिए जब वो आगे बढ़ता है, वो खिलौने की दुकानें पीछे रह जाती हैं, आगे कुछ रास्ते को पार करके मेले में जाना था। तो जैसे ही वो एक उसके पापा उसे कहते हैं कि देखो बेटा कितना अच्छा सरसों का खेत है, कितने अच्छे अच्छे फूल हैं, तो वो भी उन फूलों में बह जाता है, उन फूलों को देखना स्टार्ट कर देता है। वो देखता है किस तरीके से तितलियां उन फूलों पर मंडरा रही है, किस तरीके से जो पंखुड़ियां हैं उनके रंग बिरंगे उनके पंख हैं, और उन पंखों को वो उनके पीछे भागता है, उनको पकड़ता है, उन पे झपटता है, उनको पकड़ने की कोशिश करता हुआ उस खेल में उलझता हुआ वो अपने माता पिता के पीछे पीछे चल देता है। उन खेतों से निकलकर जैसे ही वो आगे पहुंचे तो उसके पिता और माता दोनों एक कुंज के नजदीक बैठ जाते हैं, फूलों के बागान के पास बैठ जाते हैं, और उसे वो पीछे रह जाता है उन तितलियों के साथ खेलता हुआ। तो वो अपने बेटे को आवाज लगाते हैं कि आओ बेटा आओ, जैसे कि वो बार बार उसी बात को उसे बुलाने के लिए बोल रहे थे कि आओ बेटा आओ। तो वो उन जैसे उस बाग के नजदीक पहुंचता है तो जो फूल थे वो उनकी कलियां टूट टूट कर उस पर बिखरनी शुरू हो जाती है। ऐसा लग रहा था कि भगवान ने उस पर फूलों की बारिश कर दी हो। तो वो उन फूलों की बरसात में, उन फूलों की वर्षा में खोता हुआ अपने माता पिता के पास पहुंचता है और फिर वो आगे बढ़ जाते हैं। जैसे ही वो मेले के नजदीक पहुंचते हैं, मेले में एंटर करते हैं, तो मेले में एंटर करने के बाद वो देखते हैं जैसे जैसे वो आगे चल रहे थे तो बेटा पीछे चल रहा था, तो सबसे पहले उसे एक मिठाई वाले की दुकान दिख जाती है और मिठाई वाले की दुकान पे बर्फी, रसगुल्ले, जलेबियाँ सब चीज बिक रही थी। और वो उन चांदी के बर्क लगे हुए उन बर्फियों को देखकर वो काफ़ी आकर्षित हो जाता है और उसका मन खाने का हो जाता है। लेकिन वो अपने मन में सोचता है अगर उसने अभी पापा को बोल दिया कि उसे ये मिठाइयाँ खानी हैं तो उसे पता है उसके पापा उसे ये नहीं दिलाएंगे और कहेंगे कि तू चटोरा हो गया है। तो इसलिए वो ये मन में बात सोचकर अपने उनको फॉलो करता रहा, उनके पीछे पीछे चलता रहा। और उसी प्रकार
जैसे वो आगे बढ़ा तो आगे गुलमोहर के जो फूल थे वो बहुत बड़े बड़े बहुत ही सुंदर सुंदर फूल वहां पर उनकी मालाएं रखी हुई थी और वो उन मालाओं को देखकर काफी आकर्षित हुआ। उसका मन हुआ कि वो उन फूलों को ले ले और एक आधी माला को लेकर अपने आप पहन ले, लेकिन उसने ऐसा नहीं कहा क्योंकि वो जानता था अगर उसने ऐसा कह दिया तो उसके पिता उसे फिर वापस वही बात कहेंगे कि ये फूल तो सस्ते हैं, इससे सुंदर फूल तो हमें रास्ते में भी मिले थे, तो इसलिए वो उस बात को छोड़कर वो आगे बढ़ जाता है। इससे आगे जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं उसके मम्मी पापा उसे बीच बीच में बुला रहे थे, आओ बेटा आओ, लेकिन उसे रास्ते में एक डंडे पर एक लट्ठे पर एक रंग बिरंगे गुब्बारे एक आदमी ने लटका रखे हैं, रेनबो कलर के गुब्बारे, बड़े सुंदर सुंदर बैलून्स हैं और उन बैलून्स को देखकर उन गुब्बारों को देखकर वो बहुत ही आकर्षित हो जाता है, लेकिन फिर भी वो उन गुब्बारों को नहीं लेने के लिए अपने माता पिता को नहीं कहता क्योंकि उसे पिता उसे पता है ये कहेंगे कि बेटा तू बड़ा हो चुका है, गुब्बारे छोटे बच्चों के लिए होते हैं, इसलिए वो आगे बढ़ चला। इससे थोड़ी दूर निकलने पर एक सपेरा एक बीन बजा रहा था और उसके टोकरी में एक सांप बहुत ही सुंदर ऐसा लग रहा था जैसे ही उसने अपने मुंह को बाहर निकाला, ऐसा लग रहा था कि जैसे हंस की तरह उसकी लंबी गर्दन हो और उससे वो अपना चेहरा बाहर निकाल रहा हो, ऐसा लग रहा था। इतने सुंदर मनोरम दृश्य को देखकर उसे लगा कि उसे वहां खड़े होना चाहिए, उसके संगीत को सुनना चाहिए, लेकिन उसे पता था उसे वहां नहीं सुनना है, वो बिल्कुल भद्दा संगीत कहेंगे उसके पिता, इसलिए वो वहां नहीं रुका। इससे आगे जैसे वो चला तो उसने देखा छोटे झूले बड़े झूले कई सारे झूले लगे हुए थे और सब स्त्री पुरुष बच्चे सभी लोग वहां पर उस झूले में झूल रहे थे, तो इसलिए उसका भी मन हुआ कि वो भी उस झूले में झूले। लेकिन जैसे ही वो अपने इस बार उसने सोचा कि अपने पिता को कहूं कि मुझे इस झूले में झुलाए, तो इसलिए जैसे ही उसने टर्न किया अपने पिता और माता को देखने के लिए वो देखता है कि वो वहां पे नहीं है। जैसे ही उसने देखा कि पीछे मम्मी पापा नहीं है तो उसने फ्रंट पे मुड़ के देखा कि मम्मी पापा यहां होंगे, साइड में होंगे, इधर होंगे, लेकिन वो कहीं भी उसके मम्मी पापा उसके नजदीक नहीं थे। और वो एकदम उसके मन से अपने इतनी भीड़ होने के कारण मम्मी पापा न मिलने के कारण जो उसके मन में रोष जागा, जो उसके मन में एक डर जागा, उसके मन में एक दुख जागा, उस दुख को लेकर वो फूट फूट कर रोने लगा और मम्मी पापा माँ पिता वो पुकारने लगा, कभी इधर गया कभी उधर गया, सारे में ढूंढने लगा, लेकिन उसे मम्मी पापा नहीं दिखाई दिए। इसके बाद एक स्थान पर काफी सारे लोग खड़े हुए थे, वो काफी बड़ा झुंड बना रखा था, तो उसने सोचा कि मैं ऐसी जगह में भी जाकर देख लूं। तो जैसे ही वो वहां पर गया वो सब लोगों के पैरों के बीच टांगों के बीच से निकलता हुआ वहां पे गया क्योंकि वो बहुत छोटा था, सब लोग बड़े बड़े हुए खड़े हुए थे, तो जैसे ही वो उनकी टांगों के बीच से निकलकर अंदर गया उसने सबको देखा लेकिन उसके माता पिता वहां भी नहीं थे। उसके बाद वो एक मंदिर के पास गया, उसने देखा मंदिर के मुख्य द्वार पर मेन गेट पर बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई है और उस भीड़ के कारण तो जैसे ही वो वहां मुख्य द्वार पर पहुंचा उसने देखा इतनी सारी भीड़ है, तो सबसे पहले जैसे उसने पैरों में एंटर करके उसने वहां घुसने की कोशिश करी, एंटर करने की कोशिश करी, इतनी ज्यादा भीड़ थी, इतनी ज्यादा लाइंस लगी हुई थी कि वो अपने आप को संभाल नहीं पाया और लोग कभी उसे इधर कर रहे हैं कभी उधर कर रहे हैं, इवन वो गिर भी पड़ा और गिरने के बाद लोग कुचलने के लिए तैयार है लेकिन कोई उठाने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन जैसे उसने जोर से माँ पिता मम्मी पापा शोर मचाया तो एक व्यक्ति ने एक दयालु व्यक्ति ने उसका हाथ पकड़ा और उसे ऊपर उठा लिया, लेकिन उसने देखा कि वो बहुत रो रहा था, सिसक रहा था, उसकी सिसकियां लगातार चल रही थी, तो उन सबको रोकते हुए उन सबको देखते हुए उसने सोचा कि इस बच्चे को जरूर इसके माता पिता से मिलाया जाए, तो इसलिए उसने अपने उस बच्चे को माता पिता से मिलाने के लिए वो आगे चलता रहा, मेले में उसे घुमाता रहा कि देख तेरे माता पिता कहाँ हैं, लेकिन वो सिर्फ एक ही बात कह रहा था कि मुझे मेरे मम्मी पापा चाहिए, वो व्यक्ति भी कोशिश कर रहा था। जैसे ही वो आगे बढ़े उसने देखा कि ये बच्चा बहुत ज्यादा रो रहा है, वो झूले के पास पहुंचा, आदमी उसने कहा बेटा देखो कितने सुंदर झूले हैं, क्या तुम इन झूलों में झूलना चाहोगे, उसने बिल्कुल मना कर दिया, नहीं मुझे सिर्फ मेरे माता पिता चाहिए, मुझे झूले में नहीं झूलना है। उसके बाद वो आगे पहुंचा, उसने देखा कि गुब्बारे वाला खड़ा है, उसने कहा बेटा देखो कितने सुंदर सुंदर गुब्बारे हैं, बिल्कुल रेनबो कलर के गुब्बारे हैं, कितना सुंदर
गुब्बारा दिखाई दे रहा है, क्या तुम इसे लोगे? उसने कहा नहीं, मुझे तो सिर्फ मेरे माता पिता चाहिए, मुझे और कोई नहीं चाहिए। जब उन्होंने ये देखा कि ये सिर्फ माता पिता को कह रहा है, वो ढूंढने के लिए फिर आगे उनकी खोज में चल पड़े। जैसे ही वो आगे बढ़े उन्होंने देखा गुलमोहर के बहुत सुंदर सुंदर फूल और उनकी मालाएं थी। उन्होंने सोचा कि ये फूल से तो ये खुश हो ही जाएगा। उन्होंने कहा बेटा कितने सुंदर फूल है, क्या तू इन फूलों को लेगा, इन फूलों की माला पहनेगा? उसने कहा नहीं, मुझे ये फूल अच्छे नहीं लग रहे हैं, मुझे अपने माता पिता चाहिए। इसके बाद जब वो आगे बढ़ते हैं, वो मिठाई वाले की दुकान आ जाती है। वो बहुत ही सुंदर सुंदर खुशबू के साथ मिठाइयां बना रहा था। उन्हें उसने देखा कि चांदी के बर्ग लगी हुई जो बर्फियां थी ये तो पसंद आ ही जाएगी। उसने कहा बेटा ये मिठाई खा लो, कितनी सुंदर है, मैं रोना बंद करो और तुम मिठाई ले लो, बहुत अच्छी मिठाइयां हैं। उसने कहा नहीं, मुझे कोई मिठाई पसंद नहीं है, मुझे तो सिर्फ मेरे माता पिता चाहिए। तो बेटा, तो स्टूडेंट्स यहां फिलहाल यहां पर आकर आपकी स्टोरी रुक जाती है, लेकिन मैं इससे आगे आपको इस स्टोरी का सारांश बताता हूं, इसकी समरी बता देता हूं जरा सी थोड़ी सी। इसमें बेटा सिर्फ ये बताया गया स्टूडेंट्स कि किसी भी बच्चे को किसी भी चीज की आवश्यकता होती है, लेकिन उसके जीवन में उसके माता पिता कितनी मुख्य भूमिका निभाते हैं, कितना अच्छे से उसके जीवन को चलाते हैं। जब माता पिता थे तो उसे मिठाई की आवश्यकता थी, उसे फूलों की आवश्यकता थी, उसे गुब्बारों की आवश्यकता थी, उसे झूले में झूलने की आवश्यकता थी। लेकिन जब उसके माता पिता वहां से चले गए, जब उसके माता पिता उसके पास से चले गए, तो तब उस आदमी ने उसे सारी चीजें कहा। तू झूले में झूल ले, उसे माता पिता की आवश्यकता थी। तू गुब्बारे ले ले, उसे माता पिता की आवश्यकता थी। तू फूल ले ले, उसे माता पिता की आवश्यकता थी। और तू मिठाई ले ले, तब भी उसे माता पिता की आवश्यकता थी। तो हमारे जीवन में माता पिता की कितनी मुख्य भूमिका होती है, हमें उस चीज को समझना चाहिए। अगर हमारे माता पिता किसी कारणवश हमें किसी चीज को मना कर रहे हैं किसी भी चीज को लेने के लिए, तो हमें उस चीज के पीछे रीजन सोचना चाहिए। हो सकता है कि उनके पास पैसे ना हो, हो सकता है कि वो चीज हमें अच्छी लगी हो लेकिन हमारे लिए अच्छी ना हो। तो जो चीज जो हमारे माता पिता हमारे लिए सोचते हैं वो सबसे ज्यादा सुलभ होता है। इससे आगे मैं अगली वीडियो में आपको इस चैप्टर को वर्ड टू वर्ड पढ़ाऊंगा और उसके बाद इसके नोट्स, इसके क्वेश्चन आंसर बताऊंगा। थैंक यू।